हेलो दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं एएसआर टोंगल। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत बार क्या होता है, गाड़ी में यूरिया जो होता है उसका क्वांटिटी कैसे चेक करें, यूरिया ख़राब है, यूरिया नहीं बताता है, तो ये सब टॉपिक आने पे, जब ये सब क्वेश्चन दिमाग में आए तब हम क्या करें। तो आज का हमारा वीडियो ये टॉपिक पे है। तो यूरिया का चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर से। रिफ्रैक्टोमीटर पे 2 बूंद यूरिया डालिए और उसके बाद उसमें बताएगा गुड, पुअर, एक्सीलेंट, ये 2-3 तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया का क्वांटिटी कितना होना चाहिए दोस्तों, 32 32 30। अगर आपका शुद्ध यूरिया तो उसमें 32.5 यूरिया का क्वांटिटी होता है। ठीक है, अगर 32.5 है तो यूरिया आपका वेरी गुड आएगा रिफ्रैक्टोमीटर में। ठीक है, अब रिफ्रैक्टोमीटर में कैसे देखते हैं मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बस जब यूरिया ना बताएं, यूरिया क्यों नहीं बताता, जब यूरिया ख़राब रहता है तो ही यूरिया नहीं बताता। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक है ऐसा। रिफ्रैक्टोमीटर दोस्तों काफ़ी महंगा आता है, ये 50,000 के आसपास इसका प्राइस है। ठीक है, अगर आपको ये लेना है तो फिर टाटा मोटर के डीलरशिप से या फिर स्पेयर पार्ट से आप ऑर्डर लगा के आपको मिल जाएगा, और बाहर बाज़ार में भी मिलता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि यूरिया कितना उसका क्वांटिटी होना चाहिए, तो वो शुद्ध यूरिया, क्योंकि क्या होता है मार्केट में बहुत बार सब कोई भी दुकान से यूरिया लेकर डालते हैं तो कंपनी में आने के बाद बोलते हैं ये यूरिया ख़राब है। ठीक है, तो यूरिया आप कभी भी लें, टाटा मोटर के डीलरशिप से लें, और उसका क्वांटिटी अगर वहाँ के जो जो आपको यूरिया जिस दुकान से ले रहे हैं या फिर जो यूरिया डाल रहे हैं उससे पूछ लीजिए इसका क्वांटिटी कितना है, कैसे पता कि आपने ये यूरिया सही है और मेरे गाड़ी में डाल दिया है। तो उनके पास वो चेक करने का मशीन हो तो ही आप वहाँ से यूरिया लें, अन्यथा और बाहर की दुकान से यूरिया न लें। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे अगर ख़राब यूरिया डालेंगे तो आपका यूरिया पंप और क्लस्टर मीटर में 2 यूरिया नहीं बताएगा, वो ब्लिंक करने लगेगा, 2-4 किलोमीटर तक सही चलेगा फिर उसके बाद ख़राब हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जब भी आप यूरिया लें टाटा मोटर के डीलरशिप से लें, और उसके बाद यूरिया का क्वांटिटी 32.5 होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और रिफ्रैक्टोमीटर में देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे इसमें अभी दिखा रहे हैं पुअर, वेरी गुड, गुड, देख रहे हैं ये जो गुड वाला ऑप्शन है यहाँ तक यूरिया आपकी रहना चाहिए। थोड़ा बहुत जब तक ये नीला जो दिखाई दे रहा है, ये नीला जब तक दिखाई देगा तब तक अच्छा है, अगर नीला वाले से और नीचे आया लाल आ गया तो यूरिया ख़राब है। ठीक है, बस ये टॉपिक है दोस्तों। वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ये चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जैसे उनको मालूम पड़ सके यूरिया का क्वांटिटी कितना होना चाहिए और यूरिया कैसे चेक करेंगे। यूरिया चेक करने का मशीन का नाम है रिफ्रैक्टोमीटर, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा यूरिया कैसे चेक करते हैं। ठीक है, यूरिया चेक करने वाली मशीन का नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एएस ऑटोमोबाइल अमित उपाध्याय, गुड बाय। मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।